बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन पिछले काफी समय से अपनी शादी में चल रही कथित समस्याओं के चलते सुर्खियों में बने हुए हैं। फिल्म गुरु की शूटिंग के दौरान प्यार में पड़े अभिषेक और ऐश्वर्या ने अप्रैल 2007 में शादी की थी। शादी के करीब 4 साल बाद कपल ने 16 नवंबर 2011 को अपनी बेटी आराध्या बच्चन का स्वागत किया था। हालांकि अब जबकि ऐश्वर्या और अभिषेक के तलाक की अफवाहें सामने आ रही हैं, तो फैंस एक्ट्रेस के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। हाल ही में एक रेडिट यूजर ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें दुबई में ऐश्वर्या राय बच्चन के ऑफशोर खाते के बारे में डिटेल दिखाई गई है। ये खाता एक बिजनेस AMIC पार्टनर लिमिटेड से जुड़ा हुआ था जिसे 2009 में बंद कर दिया गया था। वीडियो में आगे दिखाया गया है कि कंपनी में ऐश्वर्या के अलावा 3 और निदेशक हैं, जिनमें उनकी मां वृंदा रॉय और उनके भाई आदित्य रॉय शामिल थे। रूमर्स हैं कि एक्ट्रेस के एम्स्टर्डम में ABN AMRO बैंक के खाते में बहुत सारी धनराशि है। हालांकि इस वीडियो में कितनी सच्चाई है अभी ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन सोशल मीडिया पर ये काफी वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो पर फैंस भी कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए कहा, गुड फॉर ऐश, नथिंग रॉन्ग इन सेविंग योरसेल्फ फ्रॉम गेटिंग अननेसेसरीली टैक्स्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, इवन दिस मस्ट बी जया बच्चन्स फॉल्ट लॉल। वहीं एक यूजर ने लिखा, हैप्पी अबाउट इट फॉर हर। वहीं एक यूजर ने लिखा, आई एम नॉट इवन श्योर व्हाट ऑफशोर सेटअप इज बट हिज डोंट इवन नीड ऑल दिस, शी हैज इनफ फॉर हर वर्क इन द इंडस्ट्री, शी इज फाइनेंशियली वेरी वेल ऑफ। इसी बीच इस वीडियो का वायरल होना ऐश्वर्या के फैंस के लिए एक बड़ी खबर है। इस वीडियो पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल हमारी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।